तेजस्वी क्या है, जहाँ पर आदमी जन्म लेता है, पुराने लोग हैं वो ठीक से समझते हैं कि एक गुंडा के घर में अच्छा आदमी नहीं पैदा ले सकता है। ये क्या नौटंकी है, तुम कभी जाधव करते हो, कभी मुसलमान करते हो। पर जो बिहार में जातिवाद की लड़ाई लड़ी जा रही है, जातिवाद का जनगणना कराई जा रही है, ये सरासर गलत है। मानने के लिए बैठा है, उस जगह पे जा रहा है, आपके पास हक मांगने के लिए आया है, आप उसको दौड़ा करके मारिएगा, वो अपने हक के लिए रोड पर नहीं उतरेगा तो कहाँ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम बिहार के पटना में है और पटना के जनता से हम बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ की जनता की क्या राय है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दो युवा चेहरा का हम नाम लेंगे, पहला युवा चेहरा है तेजस्वी जी, दूसरा युवा चेहरा है चिराग जी। इन तमाम चीज़ों पर हम इन लोगों से बात करेंगे। किसे आप अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? चिराग पासवान जी ठीक हैं, इसलिए कि सभी को लेकर चलेंगे ऐसा उम्मीद है। और तेजस्वी जी नहीं चल रहे हैं? तेजस्वी सबको लेकर नहीं चल रहे हैं? वो देखिए, तेजस्वी क्या है, जहाँ पर आदमी जन्म लेता है, जो गलत राजनीति बिहार में है वो जनता जनता या जो पहले पुराने लोग हैं वो ठीक से समझते हैं कि एक गुंडा के घर में अच्छा आदमी नहीं पैदा ले सकता है, संजोग से कभी निकल जाए। वो पूरे नहीं कहना चाहिए लेकिन जो सच्चाई है, यादव का पहले खेल खेले हैं, फिर मुसलमान से मिल गए। ये क्या नौटंकी है, तुम कभी यादव करते हो, कभी मुसलमान करते हो, तुम जनता के लिए करो और आपस में तुम नीतीश भी जो है, हम जात नहीं करते हैं, वर्ग भेद करते हैं। क्या वर्ग भेद करते हैं? जब दलित को कमजोर करना था तो ये कितना बड़ा नीतीश जी का कमजोरी है। क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो बिहार में जातिवाद की लड़ाई लड़ी जा रही है, जातिवाद का जनगणना कराई जा रही है, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे के जातीय विवाद में लोग एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, ये सब भी गलत है। यहाँ के तो जातीय जनगणना हो रहा है, वो गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक मिनट, वो इसका भी गलत इसलिए है कि यहाँ पर नहीं नहीं सुनिए ना, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि देखिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी जाति हमारे लिए समान एक व्यात्र है, सभी हमारे लिए समान है। और इसमें देखिए, जातीयता इसकी गणना के इस पे हो रहा है कि फलाना जाति इतना है, फलाना जाति क्या इतना है, फलाना की जाति इतनी संख्या उतनी संख्या है, इससे मतभेद होता है। क्या मतभेद हो? मतभेद ये होगा कि हमारी संख्या इतना है, हमारी संख्या इतना है, मान के चलिए कि आप जादू की बात कर रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, फलाना राजपूत हैं, कि भाई इनकी जनसंख्या इतना है, तो कहेंगे लोग, अरे राजपूत का इतना संख्या, साला वो कुछ भी कर सकता है, ये बात के ऊपर होता है। मगर जातीय गणना ऐसे नहीं होना चाहिए। जातीय गणना को पढ़ाई की, इसके बारे में कभी पढ़े? हाँ, कहीं नहीं पढ़े, कहीं नहीं पढ़े। क्या पढ़े? जाति गणना सर्वे कहीं अभी तक हुआ है? केवल बिहार में हुआ है, दो बार, 11 नहीं, दूसरा बार हुआ, 11 में हुआ था, उसके बाद ये 23 में हो रहा है। जातीय जनगणना जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, जब ब्रिटिश शासन था, उस वक्त भी जातीय जनगणना हुआ और आज भी जातीय जनगणना हुआ है। आपको बता दें, 1900 अरे सुनिए ना, आपको बता दें, जब पहली बार 1900 अरे सुनिए ना, 1900 सुनिए ना जी, बोलने दीजिए 1951 में भी जातीय जनगणना हुआ। दलित समाज से जो बिलोंगिंग करते हैं, तो दलित समाज वाले कहीं ना कहीं नीचे तबके में आते हैं, नीचे हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है, इसलिए उनका भी विकास हो सके, इसलिए जातीय जनगणना होता है। जातीय जनगणना इसलिए हो रहा है कि जो लोग कहीं ना कहीं नीचे हैं, उन तमाम की सूची सरकार के पास आ जाएगी और फिर सरकार सबका विकास कर पाएंगे, इसलिए जातीय जनगणना। विकास किया सरकार, आज 10 साल से सरकार चला रही है, सरकार कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आपकी, जो बिहार के जो विनाश, बिहार को विनाश के कगार पर ला दिया, वैसे सरकार को बात कर रहे हैं, दोहरी नीति का सरकार की बात कर रहे हैं। हम भी वार्ड सदस्य हैं, हमारा भी 16 महीना से भत्ता रुका हुआ है, हमारा सरकार भत्ता नहीं दे रही है, स्कूल में टीचर जो पढ़ाते हैं उनको लाठी डंडा से चहेट के मारा जा रहा है। कौन मार रहा है? सरकार यहाँ के प्रशासन मारी है, और कौन मारी है? यहाँ पर वो आया था, अपने हक मांगने के लिए बैठा है, उस जगह पे जा रहा है, आपके पास हक मांगने के लिए आया है, आप उसको दौड़ा करके मारिएगा, वो अपने हक के लिए रोड पर नहीं उतरेगा तो कहाँ जाएगा। लास्ट मुद्दा क्या है उसका? लास्ट यही है ना कि सब जगह से थक जाएगा तो लास्ट में रोड जाम करेगा, यही ना उसका मुद्दा है, और क्या है उसका मुद्दा? वो कहाँ जाएगा? वो उसको हक कौन देगा? उसको बिहार सरकार को देना चाहिए ना। बिहार सरकार नहीं दे रही है तो क्या करेगा? वो रोड पर नहीं आएगा, हम हैं तो रोड पर नहीं आएंगे, आप हैं तो रोड पर नहीं आइएगा। कल एक आदमी यहाँ पर दारू का मैटर में सब जगह मारा गया, या आज तक किसी को, दोनों में से किसी को जाने का हिम्मत हुआ वहाँ कि जा करके किसी गरीब परिवार से, चाहे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ उसे भेंट करें? नहीं गया।
कह रहा है कि मुआवजा भी नहीं देंगे, तो दारू चालू कर दो सबसे बढ़िया रहेगा। दारू चालू कर देगा तो मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उस समय तुमसे मुआवजा मांगने नहीं जाएगा। आज जहरीला दारू जमीन में गाड़ करके निकाला जा रहा है, जो जमीन में गाड़ करके सभी को पिला करके मुआया जा रहा है, बताइए अच्छा चीज है? ये बताइए दारू आता कहाँ से है? ये दारू आता कहाँ से? दारू सभी घर में बन रहा है, सरकार कह रहा है कि बंद है और घर में दारू बन रहा है। स्प्रिट बाहर से लाया जा रहा है, स्प्रिट बाहर से ला करके कलर मिला करके वही दारू डुप्लीकेट बना करके बेचा जा रहा है, तो क्या वो जहरीला नहीं होगा? ये जहर सभी को पिलाया जा रहा है। सरकार को ये चाहिए कि बढ़िया ब्रांडेड दारू बनाए और चालू कर दे। ओपन करो बिहार में, बिहार में हाँ तो जंगल राज है ये, बिहार में जंगल राज है। हाँ कहे नहीं जंगल राज है, बिहार में मारकाट चल रहा है, दिन में लूटी लुटेरा डकैती हो रहा है, तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? तो जंगल राज नहीं है, हाँ कहाँ जाएगा जब? सुनिए कहाँ जाएगा प्रशासन? नहीं 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 सुनिए ना, प्रशासन अपने दारू बेचवा रहा है, प्रशासन दारू बेचवा रहा है, जो पीने वाले को पकड़ के ला करके जेल में डाल दे रहा है, जो बेचने वाला है उसको क्यों नहीं ला के डाल रहा है? जा रहा है वहाँ पर जा करके जेब में पैसा लेकर के चला आ रहा है। आप ही जाइएगा उसके घर पे, जा रहे हैं आपको जेब में पीछे से पैसा दे करके दबा दिया जा रहा है, उसके दरवाजे तक आप नहीं जा पा रहे हैं, तो बताइए सरासर जंगल राज है कि नहीं है? हाँ अब पूछिए दारू कहाँ मिला, कहाँ से मिला दारू आपको? पोठी में पिए थे हम, दारू तो खुलियाम बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है दारू? हर जगह पे दारू मिल रहा है। हाँ कहाँ से मिला, कहाँ मिला दारू? हर जगह मिल रहा है महाराज, तुम कहाँ पूछते? कहाँ मिला बोलिएगा तब ना। पोठी में आए हैं, मरिएगा तो सरकार से पैसा। बिहार में मिला है ना? सरकार से पैसा नहीं लेंगे मरेंगे तो। बिहार के सरकार जान रहा है कि दारू पी के मारा कैसे मरा। बिहार में मिला दारू? तो बिहार में कौन सी जगह मिला दारू? विदेश के आदमी है, विदेश से मिला दारू, बताइए ना। कोठी में मिला है। हाँ दारू मिलता है वहाँ? हर जगह मिल रहा है कि खुलिया मिल रहा है महाराज? आप हमसे पूछ रहे हैं ना, और आदमी से पूछिएगा कि कहाँ पे मिलता है दारू? बंद है बिहार में, नहीं पिए नहीं पिए। कितना 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 लिए, कितना में मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं है, बंद है दारू बिहार में। कितना कितना में मिला है? 40 रुपया के लिए हैं, 40 रुपए के पिए हैं भाई, आपको झूठ बोल रहे नहीं रहे, बस कहानी खत्म है। दारू बंद है नीतीश जी को, दारू बंद है। अब तो दिन अब कितना आप ये रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा कि आदमी को कहाँ मिलता है? क्या कह रहे थे आप? दारू बंद है, सामने देखिए ना, दारू बंद है बिहार में। नीतीश जी को कह दीजिएगा, नीतीश जी को क्या सामने देख रहे हैं, बंद है दारू। आप कुछ कह रहे थे ना, कहेंगे क्या? दारू बंद है, सामने रिजल्ट है, दारू बंद है, दारू बंद है बिहार में। अब बताइए ये स्थिति है तो पूरी तरह से चालू आगे इतना इतना छुप छुपा के वर्ड का है बोल रहे हैं? स्वतंत्र होकर के बोलिए। गार्जियन माना ही ना कर सकता है, अब अपने बाल बच्चा को तो कोई समझा ही नहीं पाता है, गार्जियन इतना बड़ा देश में कैसे समझा लेगा, राज्य में, प्रदेश में। हाँ मतलब कि अपने घर के गार्जियन अपने बाल बच्चा को तो बढ़िया समझा नहीं सकता है कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अब कैसे सरकार देख लेगा कि कौन कहाँ महुआ मिठाई पी रहा है, कहाँ इंग्लिश पी रहा है? कहीं से जब पीना ही है तो भैंसी से दुहे वाला दवाई भी पी लेंगे, कुछ भी पी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग यहाँ के तमाम लोगों से हमने बातचीत की, आपने देखा कि इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से।